हम पुलिस और नक्सलवादियों के बीच फंस गए। ये क्या कह रहे हो तुम? ये भगवान, हम लोग तो फंस गए। सुजाता। मेरी बीवी बच्चे की जान बचाने के लिए कैसे शुक्रिया कहूं मैं तुम्हें? इसका नाम तुम्हें रख दो बेटा, रख दो। विनीता। जंग बहुतों की जान लेती है, लेकिन एक जंग ने मुझे जन्म दिया। मैं विनीता और ये मेरी कहानी है। ए विनीता, कितनी देर और खेलेगी? जाकर पढ़। क्यों रे? हाँ, पढ़ाई छोड़कर भेड़ चरानी है क्या? कितनी बार कहा है कि पढ़ाई कर, चल दे, चल जा पढ़ाई कर। हाँ विनीता, अरे भगवान, गंगा कृष्णा, अरे विनीता पानी में गिर गई है। अरे क्या हो गया? अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को। अरे चल, कौन है गुड़िया के लिए पानी में कूदता है? कोई बचाओ इसे। अरे मेरी बेटी, मेरी बच्ची पानी में कूद गई। अरे कोई मेरी बच्ची को बचा लो। मेरी बच्ची, क्या हो गया इसे? विनीता, विनीता आँख खोल बेटा, 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 बेटी, बेटी, बेटी अपनी आँखें खोलो, बेटी, बेटी अपनी आँखें खोलो, बेटी, बेटी, आँख खोल मेरी बच्ची, आँख खोल ना। सुजाता, इसे कुछ नहीं होगा, बेटी, बेटी, विनीता, मान कितनी जिद्दी लड़की है ये? विनीता, ये देख, तेरी गुड़िया। माँ के गुस्से ने मुझे जिद्दी बनाया और पापा की कविताओं ने मुझे जिंदगी के सबक। आशे लेनी रे कालैते वो लच्चा गुम्माडिन आका
ఆశాన్ని తాక వచ్చే ఓలచ్చ గుమ్మడి సంకల్పం నీ శ్వాస అయితే ఓలచ్చ గుమ్మడి సంద్రానైనా ఎదిరిదొచ్చే ఓలచ్చ గుమ్మడి కన్నకలే దారి చేరు దారిని చూపునులే सबकी जिंदगी में दो दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जब वो पैदा होता है, दूसरा जब उसे अपनी जिंदगी का मकसद पता चले। कल रात को मेरा भाई एक बुक लेकर आया, कविताओं की। मैंने पढ़ने की कोशिश की पर कुछ समझ में नहीं आया। तू तो क्लास में पढ़ते समय सो जाती है और तुझे कविता की बुक पढ़नी है। सच कहूँ तो क्लास में पढ़ना उस बुक से बेहतर है। हिंदी में नहीं थी जो तू समझी नहीं? हिंदी में ही थी। तो फिर हिंदी में थी तो समझ में क्यों नहीं आई? हाँ बाबा, तेरे पिताजी ने तुझे बचपन से बहुत सारी कविताएं सिखाई है पर मेरे नहीं। ठीक है ठीक है, अब हुआ क्या बता। उस बुक में सारे शब्द बिल्कुल वैसे ही थे। मैंने कभी इतने बड़े बड़े शब्द नहीं पढ़े थे। और जब अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी तो मेरे पिताजी अंदर आए और मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि पड़ोस का लड़का ऐसी किताब पढ़ के नक्सल बन गया। हाँ सब खत्म। उन्होंने वो बुक मुझसे छीन कर बाहर फेंक दी और मेरे भाई को बहुत मारा। और जब माँ बीच में बचाने आई तो उन्हें भी बहुत मारा। बेचारी माँ बेचारी रोते रोते सो गई, पता है। हे भगवान, एक बुक के लिए इतना मारा, सच में? और क्या। ए विनीता, अब तू क्या सोच रही है? यही कि आखिर उस बुक में ऐसा क्या लिखा होगा। पता नहीं, पर उसकी वजह से लड़ाई हो गई घर में। ए, चल चलते हैं। पर कहाँ? मुझे वो बुक अभी के अभी पढ़नी है। भैया उठो ना। क्या हुआ? गरीब की परेशानी आखिर कब खत्म होगी? भेदभाव की दीवार आखिर कब टूटेगी? जमींदार ने मजदूरों का शोषण करके खूब तिजोरियां भरी, आखिर ये चोरी कब बंद होगी? औरत को बेड़ियों में चकड़ना इंसानियत नहीं, आखिर ये हैवानियत कब समाप्त होगी? जिंदगी भर के लिए झुंड का भेड़ मत बनो, कभी ना खत्म होने वाली जंग से जुड़ो। कौन हमसे छोटा है और कौन हमसे बड़ा? इस धरती पर समाजवाद का राज्य कब स्थापित होगा? ये क्या बोल रही हो? तुम्हें नहीं पता कि अरण्य कौन है? अरण्य नक्सलवादियों का मुखिया रावण का उपनाम है। अच्छा, नहीं पता था। झूठ बोल रही हो, तुम्हें सच में नहीं पता था? अरे हाँ, सच बोल रही हूँ मैं। पर उनकी कविता पढ़कर मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। हाँ भैया, मुझे पता था ये समझेगी, इसलिए मैंने इसे बुक दे दी। रावण की कविता ऐसी ही होती है, जब हमने भी पहली बार पढ़ी थी तो ऐसा ही हुआ था। आप मुझे और भी बुक्स पढ़ने के लिए दे सकते हैं क्या? ठीक है, पर किसी को पता न चले। सरकार ने सारी बुक्स बैन कर रखी है, अगर पुलिस को पता चला ना तो हम सब जेल जाएंगे। हाँ किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगी मैं वादा करती हूँ, रात को पढ़ूंगी जब सब लोग खा पी कर सो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं शाम को लेकर के आता हूँ। नहीं बदलेगा, इन अत्याचारियों का बर्ताव नहीं बदलेगा। रौद्रप शत्रु उतारिनी अदुरिंचे वो रातम मनदी। चलो 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 परिगत्तु अड़ गई पिड़ गई रालेला का कुंटला दम्मुनु चूपिंचु। चलो चलो चलो
चलो चलो चलो मिंगिन सूर्य चित्तूर चलो 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 बढ़ते चलो हर बार को बिजली की तरह गरजने दो चमकने दो चलो 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 जमींदार के ताले की तरह या बाहर बैठे उसके कुत्ते की तरह कब तक जिंदगी चलेगी ऐसे कब तक औरत की इज्जत के लिए लड़ो दलितों के आत्म सम्मान के लिए लड़ो भूखे को खाना खिलाने के लिए लड़ो किसान के संघर्ष के लिए लड़ो कब तक अरे कब तक हमें नई दुनिया बसानी चाहिए जो धर्म और जाति में एकता बनाए रखे एक नई सुबह के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी चलो 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 तुम्हें वो चांद दिखाई दे रहा है तुम्हें चिंगारियों की आवाज सुनाई दे रही है बहते हुए खून को देखो जिसने हम सबको प्रेरणा दी है लाल चमेली को चमकने दो बादलों को जंगल की दहाड़ बनने दो आखिरी युद्ध में हमारी ही जीत हो लाल झंडे को सलाम करो जीत के गीत गाओ वो देखो रोशनी है वहाँ वो है इस क्रांति का बेटा वो है इस क्रांति का बेटा वो है इस क्रांति का बेटा तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो तुम्हारी कविताओं ने मेरे दिल और दिमाग में एक आग सी जला दी है मुझे नहीं पता कि मैं जो तुम्हारे बारे में महसूस कर रही हूँ उसे क्या नाम दूँ पर मैं बस तुमसे मिलना चाहती हूँ बोलो बेटा मामा पूरी फैमिली के साथ आए अच्छा माँ कहाँ है बेटा किचन में होगी अच्छा माँ इतने सालों के बाद हमारी याद आई आखिर इतने समय से कहाँ गुम थे तुम 3 साल हो गए हैं पता है हाँ पर अब त्योहार मनाने तो आ गए शुक्र है बस भी करो अब तुम खुश नहीं हो क्या हम विनीता को अपनी बहू बनाकर रिश्ता मजबूत करने आए हैं अगर प्यार होता तो मिलने नहीं आते बस भी करो ना मामा इतने सालों बाद आए इस बात की खुशी नहीं है क्यों रे अब तू भी शुरू हो गई जा जाकर इनके हाथ मुंह धुला दे जा मुंह पे कितने मुहासे हो गए हैं हमेशा फोड़ती रहती हो क्या नहीं ऐसा नहीं है हाँ, अपने दोस्तों की तरह भटकते मत रहा करो ये लो इसे लगाओ और किसी को बताना नहीं नहीं तो कोई ले जाएगा और मुझे चिढ़ाएंगे सब ठीक है पढ़ाई ठीक से चल रही है ना हाँ सब ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो नंबर अच्छे आने चाहिए जब पास हो जाओगी तो कोई सरकारी नौकरी आराम से मिल जाएगी तुम्हें नौकरी मिली तो हमारी जिंदगी अच्छे से कटेगी देवी माँ जिस आदमी ने ये लिखी है मुझे उसे ढूंढना है मुझे उससे मिलवा दो ना अगर मिला दिया ना तो खीर खिलाऊंगी चल पीछे हट ये जगह क्या तुम्हारे बाप की है तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा चल तुम कमीनों को क्या लगता है जमींदार का अनाज लूट कर तुम लोग यहाँ जश्न मनाओगे कानापुरम की लूट में कौन कौन शामिल था रे जल्दी बता कौन कौन था हमसे क्यों पूछ रहे कोन्नापुरम वाले से पूछिए ना मेरा तू चुप आप रुकिए बाबू अपनी मेहनत के पैसे तमाशा मत कीजिए साहब हम कल बात कर लेंगे आपको ये बकरा ही चाहिए ना ले जाइए इसे साहब मैं इसे दे रहा हूँ तेरी तो क्या समझता है खुद को मुझे रिश्वत देगा अरे क्या बात हुई सर आपके पास कोई सबूत है क्या कि आप हमारे ऊपर ऐसे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं और कहते हैं कि हमने नक्सल को शरण दिया है अरे भूखे को खिलाना कोई अपराध है क्या आप ही बताइए इसमें कुछ गलत है बहुत जुबान चल रही है तेरी कमीनो कान खोल कर सुन लो अगर पता चला कि नक्सलियों की मदद कर रहे हो या उन्हें पनाह दे रहे हो तो केस ठोक कर सबको अंदर कर दूंगा
एनकाउंटर करके सबको मार डालूंगा। विनीता, विनीता, तेरे पिताजी को पुलिस मार रही है। पापा, क्या हुआ? पुलिस वालों ने मारा है। बेटा, बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, 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 शांत हो जा बेटा। क्या बोली तू? वापस बोल। क्या बोली तू? तुझे कमीना कहा, सुन लिया? पुलिस है तो क्या किसी को भी मार सकता है? तू चुप रहो माँ। तू मुझे जानता नहीं है। पुलिस है तो कुछ भी करेगा क्या तू? बेकसूर को मारने का हक नहीं है तुझे। अगर तुम लोग इन पर उंगली उठाओगे तो ये धमकी देंगे, ताड़ा लगाकर अंदर कर देंगे या एनकाउंटर करवा देंगे। वोट के नाम पर इन्होंने तुम्हें गुलाम बनाकर रखा है, लेकिन हम एकता और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। कर सकते हो? Dure.
प्रिय अरण्या, तुम्हारे प्यार में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तितली फूलों की महक ले रही हो। मेरा मन ना जाने किन ख्यालों में खोया रहता है। मुझे पता नहीं था कि प्यार में इतनी ताकत होती है। प्यार की ताकत सातों आसमानों को पार करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक पहुंच सकती है। मीराबाई का प्यार जो कृष्ण के लिए था वो इस बात का सबूत है। मीराबाई समझ गई कि दिन गुजर जाएगा, मौसम बदल जाएंगे, उम्र ढल जाएगी, मगर उनका प्यार वो कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा समान रहेगा। इसीलिए मीराबाई ने महल और सब कुछ त्याग कर सिर्फ कृष्ण की ही हो गई और अपने प्यार और भक्ति की खोज में डूब गई। जब तक ये भूमि और आकाश रहेंगे, सूरज और चांद आकाश में रहेंगे, तब तक मीराबाई का प्यार अमर रहेगा। पापा। बोलो बेटा। मीराबाई का कृष्ण के लिए अपना घर और परिवार छोड़ना गलत नहीं था? तुम्हें क्यों गलत लगता है बेटा? मीराबाई ने घर किसी गलत काम के लिए थोड़ी छोड़ा था, प्रेम के लिए छोड़ा था। क्या दुनिया में प्रेम से बड़ी चीज कोई होती है? सच्चा प्यार भगवान के समान होता है। हाँ तो बताओ रामू, इसका तुम कितना लोगे? तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है, अगर अच्छा दाम मिला तो कम से कम शादी के दहेज में काम में आएगा। देखो भाई, तुम तो सब कुछ जानते हो। विनीता हमारी इकलौती बेटी है। हमारा 2 एकड़ का खेत, ये घर, ये सब कुछ उसी का है। चिंता मत करो, शादी धूम धाम से होगी। 40 गाँव के लोग आएंगे, सारे रस्म रिवाज होंगे। पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। देख लीजिए। हाँ, पंचांग के हिसाब से श्रावण के शुक्रवार को एक बहुत ही अच्छा दिन है। इनकी शादी अगले महीने की उसी तिथि को होनी चाहिए। बहुत अच्छा मत करो, मैं ताला लगा दूंगा, ठीक है ना? बाद में देख बाद लेना। में क्या? बांध कर ले जाएंगे। कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है दीदी। समझ नहीं आता ये लड़की अंदर क्या कर रही है, सब इतनी देर से ढूंढ रहे हैं इसे। बेटा दरवाजा खोल बेटा। पता नहीं अंदर क्या कर रही है इतनी देर से। विनीता, अरे मामा मामी जा रहे हैं, जाने से पहले एक बार मिल तो ले इनसे। बेटा हम निकलने वाले हैं, जल्दी बाहर आ जा। दरअसल परीक्षा के लिए रात भर बैठकर पढ़ाई कर रही थी ना, इसीलिए। वो शायद सो गई होगी। हाँ। हम शुक्रवार को आने वाले हैं ना, तब मिल लेंगे। चलो चलो। वो बात नहीं है, मैं जाने से पहले देखना चाहती हूँ। चलो अभी चलते हैं, ऐसे भी बारिश होने वाली है। ठीक है चल। अगर हम यहाँ से निकलते नहीं तो तुम बातें ही करती रहती, देखो कितने घने बादल हैं, जल्दी बारिश हो जाएगी। हाँ ठीक है, अच्छा हम लोग चलते हैं, यहाँ से सीधा निकल। हाँ ठीक है, संभल कर जाना। ये क्या, उनके जाते ही तू बाहर निकल आई? क्या कर रही थी अंदर इतनी देर से? क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? ये क्या है बेटा, ऐसे कोई करता है? रिश्तेदार हैं वो लोग, वरना क्या सोचते हमारे बारे में? बेटा क्या हुआ, कुछ बोलो तो। मुझे शादी नहीं करनी। क्या कहना चाहती है तू? मैं शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करनी या इससे शादी नहीं करनी? इससे शादी नहीं करनी पापा। ये शादी बचपन में ही तय हो गई थी, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया मतलब, कब आकर बोलूं मैं शादी हो जाने के बाद? हाँ मत, कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? हाँ सुजाता, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत कहा है। तो फिर अब तक बता नहीं सकती थी? इतनी देर से तेरा दिमाग घास चरने गया था क्या? हाँ घास चरने गया था। सुजाता तुम ठीक तो हो? देखा इसे, कितनी बड़ी हो गई है ये। तुम भी बात करके कोई फायदा नहीं है। झाड़ू मारो, झाड़ू मारो, एक काम करो, ये पकड़ो, मारो मुझे। क्या हुआ तुम लोगों? रुको मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटी। अब ऐसे वक्त पे हम शादी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? बहुत देर हो चुकी है। समझा ये इसे। तुम रुको, अब मना करेंगे तो लोग हंसेंगे हम पर।
और सबको कौन जवाब देगा? तेरा बाप क्या तेरा दादा? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर मना करती हूँ। विनीता, विनीता, कहाँ जा रही है? अरे अरे विनीता, सुनो, बेटी कहाँ जा रही है? रुक जा। अरे विनीता, अरे बेटा क्या हो गया? मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, बस यही कहना था, मुझे माफ कर देना। हे हे विनीता, विनीता, अरे विनीता सुनो तो। अरे विनीता, जाओ जाकर उससे बात करो। विनीता, ऐसे ही सब खत्म करना है क्या? बचपन से तुम किसी और को प्यार कर रही थी? हाँ नहीं, मुझे तुम बहुत पसंद हो, सच बोल रही हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। कौन है वो? अरण्या, वो रावण, वो नक्सलियों का लीडर। वो रावण? हाँ। सच सच बताओ, तुम उसी से प्यार करती हो? हाँ सच। पागल हो गई हो क्या? ओ, दुनिया को बताओगी कि मेरा पति नक्सलाइट है? हाँ? ये बताओ उसमें पसंद क्या आया तुम्हें? हर चीज की वजह नहीं होती, प्यार तो बेवजह होता है। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप की है। बचपन से तुम्हें किताबें पढ़ाकर, कविता पढ़ा करके तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है उसने। और तुम्हें यह लगता है कि रावण तुम्हें कबूल कर लेगा तो तुम गलत फहमी में जी रही हो। मेरी बात सुनो, हम शादी कर लेंगे, बच्चे होंगे, हम खुशी खुशी जियेंगे, रानी बना के रखूंगा मैं तुम्हें। मुझसे नहीं होगा, अब चाहे वो मुझसे प्यार करे ना करे, मैं उससे करती रहूंगी। सॉरी रमेश। कविता, कविता उठ जा बेटा। क्या हुआ बापू? रामू चाचा आए हैं। विनीता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या हुआ चाचा, विनीता मिल नहीं रही है? हाँ बेटा, सुबह से कहीं दिखाई नहीं दी, कहाँ गई होगी? ठीक है, मैं दोस्तों के घर जाके पूछती हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं और जगह देखता हूँ। ठीक है, आप देखिए। अरे अम्मा, विनीता को देखा क्या? नहीं देखा बेटा, कहाँ जा सकती है। पापा मुझे माफ कर देना, मैंने जब अरण्या को देखा तो मुझे समझ में आया कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। जिस तरह बुद्धा ने अपना जीवन का मकसद जानने के लिए घर छोड़ा था, उसी तरह मैं अरण्या के लिए अपना घर छोड़ रही हूँ। अब मैं उसके बिना जीने की नहीं सोच सकती हूँ, इसलिए घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, एक दिन मैं वापस आऊंगी। माँ ये सब नहीं समझेगी, आपको ही समझना होगा। पापा, मैंने बक्से से 200 रुपए लिए हैं। जासवंती के पौधे को पानी डालना मत भूलना पापा। एमजी रोड जाना है, कितना लगेगा? 20 रुपया लगेगा, बैठो बेटी। रुको, रुकना जरा। भैया, वीरासम का ऑफिस कहाँ है? किसका? वीरासम का ऑफिस। वीरासम का ऑफिस? वो पुलिस स्टेशन के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वहाँ पूछो। भैया, भैया, वीरासम ऑफिस कहाँ पर है? आगे वो जो सबको लीड कर रहे हैं ना, विद्याधर राव, वो वीरासम का ऑफिस संभालते हैं। जाइए उनसे मिल लीजिए।
हमारे हाथ से नहीं हटेंगे। चोरों का राज है, चोरों का राज है, छोड़ दो छोड़ दो। हमारे हक की लड़ाई चलती रहे। शकुंतला जी, पुलिस ने आपको कब अरेस्ट किया? देखिए मैडम, आप इस अरेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह गुंडों को लेकर जाते हैं, पुलिस वालों ने मुझे भी अपनी गाड़ी में डालकर लॉकअप में बंद कर दिया। ये राज्य मिसिंग स्ट्रेटेजी का आज भी इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। उतना ही नहीं, मारने से भी हिचकिचाते नहीं। दगवाइलिया, जीवन रेड्डी, बेंजामिन, सूर्य देवरा, वरा प्रसाद, कहाँ गए ये सब? अगर आज आप लोगों ने इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया होता तो इस लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल होता। पर आप लोग इसकी स्ट्रेटेजी में नहीं फंसेंगे। हमारे हक की लड़ाई चलती रहनी चाहिए। थैंक यू। चोरों का राज है, चोरों का राज है। उसके अरेस्ट की खबर लीक कैसे? सर, आपने शकुंतला जी को क्यों अरेस्ट किया और आप राज्य में ऐसे शांति प्रदर्शन को क्यों रोक रहे हैं? पुलिस को भी जनता के हक की चिंता है, लेकिन हम यहाँ कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए बैठे हैं और किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाते। शकुंतला जी को यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया था, अब पूछताछ हो गई है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। That's it. इस प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस नॉनसेंस। सर सर सर, इस प्रदर्शन में लीडर कौन था? वीरसम का सेक्रेटरी वेद्या था। हमारे पास उसकी फाइल है सर। किससे मिलना है तुम्हें? विद्याधर राव से मिलना है। वो अंदर है, जाके मिल लो। नमस्ते सर। नमस्ते, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? मेरा नाम विनीता है, मैं घनपुर से आई हूँ। घनपुर मतलब वो जाफर घाट के पास वाला? नहीं सर, मुलुगम वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वहाँ पर है क्या? आओ बैठो। नहीं सर, मुझे अरण्या का पता चाहिए। मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे लगा आप उसे जानते होंगे। अरण्या? अच्छा अच्छा, पहले बैठो तो। अरण्या मतलब कौन है वो? वही सर, नक्सलाइट कमांडर। एक मिनट। जिसने ये बुक लिखी है ना, वो वही अरण्या सर। उसका पता दे सकते हैं क्या? पता? ये हमसे क्यों पूछ रही है सर? क्यों बहन, ऐसे पूछ रहे जैसे बस स्टॉप को पता चाहिए? नहीं सर, वो मतलब नहीं था, बस ये जानना था कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है। आसपास का लोकेशन बता देंगे तो भी मैं ढूंढ लूंगी। वो सब तो ठीक है, पर मुझे कैसे पता होगा? आपको नहीं तो किसे पता होगा सर? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ का पता किसने दिया? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? अरे मुझे गलत मत समझिए, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है सर। देखिए, इस बुक में यहीं का पता लिखा हुआ है। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? विनीता सर। विनीता, तुम्हारे गांव की कोई समस्या है या फिर जबरन तुम्हारी शादी हो रही है? बताओ बेटी, प्रॉब्लम क्या है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं अरण्या से प्यार करती हूँ सर। हाँ सर, अपनी जान से भी ज्यादा। देखो बेटी, अभी माहौल अच्छा नहीं है। अगर पुलिस को पता चला कि तुम अरण्या को ढूंढ रही हो तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। इस प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो तो बेहतर है। आज रात यहाँ रुक जाओ, सुबह घर लौट जाना। उससे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी सर। अरे पागलों जैसी बातें कर रही हो, मेरी बात सुनो। जिंदगी में प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सारी बातें बेहूदी हैं। और सच कहूँ तो ये प्यार सबसे बड़ा झूठ है, उसे भूल जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई करो। अरे अरे सुनो तो बेटी, सुनो। क्रांति। हाँ माँ। ये लड़की दीवार पर कुछ लिख रही है, पापा को बोल। जो ये नहीं समझता कि प्यार क्या होता है, वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है। कहाँ चली गई है? विद्याधर जी, अब आप मेरे लिए जिंदा नहीं है, माफ कर दीजिएगा।
चल अरे आप लोग को अरे लेकिन सुनिए आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। रविशंकर जी का घर कहाँ है? कौन रविशंकर बेटा? वही अरण्य। अच्छा उसकी बात कर रही हो? अरे सुनो। हाँ बेटिया को रविशंकर जी के यहाँ ले जाओ। वो मेरा बेटा है, घर छोड़ दिया इंसाफ के लिए, 7 साल से घर नहीं आया, 10 साल की तपस्या के बाद मिला था मेरा इकलौता बेटा। अब बस उसकी यादें रह गई हैं मेरे पास। वो आएगा, हर रोज उसकी राह देखती हूँ। आधा ग्लास चावल मेरे लिए बहुत होता है, उतने में पेट भर जाता है, पर मैं पूरा एक ग्लास बनाती हूँ इस आस में कि वो आएगा और उसे खिलाऊंगी। दिल उसे देखने के लिए तरस रहा है पर कोई फायदा नहीं। अब आप जरा भी नहीं रोएंगे। एक काम करते हैं, आपको जो कुछ भी कहना है ना एक खत में लिख कर दीजिए, मैं अरण्या के पास लेकर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ आपके बेटे को वापस लेकर आऊंगी। अच्छा आपका बेटा तो कविता लिखने में माहिर है, कभी आपके लिए लिखी है? वो गांव वालों की मुश्किलों के बारे में लिखता है, भला मेरे बारे में क्यों लिखेगा? लिखेगा, जरूर लिखेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। ध्यान रखना बेटा, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। तुम यहाँ आई, पूरा घर चमका दिया, मेरी मदद की, मुझे हंसाया, ये नहीं बताया कि आखिर तुम हो कौन? कौन हो तुम बेटा? आपकी होने वाली बहू, बस आपका बेटा अब तक नहीं जानता। ఊర్ల
వచ్చిన పంచాయతీ ఉంది అందుకే రవణ ఇప్పుడు భూపాల్ పెళ్లికలు చూస్తుంటే ఇక్కడ రావట్లేదు हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि अरण्या यही कहीं छुपा है जो भी उसका पता बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा वो कोई भगत सिंह जैसा देशभक्त नहीं है जो उसको पना दो देशद्रोही है वो सुनो बेटा वो मेरी इकलौती बेटी थी मैं मोची हूं फिर भी उसे जैसे तैसे कॉलेज पढ़ने भेजा वो सरकारी नौकरी करना चाहती थी और घर की देखभाल अपने कंधे पर रखना चाहती थी वो कमीना रमन्ना ने उसे बहला फुसला कर उसके साथ बदसलूकी की है उसने जब शादी के लिए पूछा तो रस्सी से गला घोटकर उसे उसी रस्सी से लटका दिया ये दिखाने के लिए कि उसने आत्महत्या की है मैं जहां भी गया मुझे न्याय नहीं मिला मेरी बेटी को न्याय दिला दो उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने केस वापस नहीं लिया तो मुझे ही मार देंगे मुझे पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहते बेटा मेरे पास पैसे नहीं है पर मुझे न्याय चाहिए मुझे समझौता नहीं करना है हिम्मत रखिए बाबा विक्रम जी भैया कल्याणी के बाबा समझौते के लिए तैयार हैं उनसे कहो कॉलेज में मिलते हैं ठीक है भैया मैं सब संभाल लूं लड़की बहुत बारिश हो रही है अंदर आ जा नहीं ठीक है कोई बात नहीं आ जा बेटा नहीं नहीं कोई बात नहीं राधिका हाँ दरवाजा खोल बस हो गया और नहीं थोड़ा सा और खा लो ये लो भूख तो लगी ही होगी ना क्या हुआ नींद नहीं आ रही आप क्या सिल रही हो दीदी ये आरएसयू के सदस्यों के लिए है उनकी मीटिंग है मुझसे जितना होता है मैं उनकी मदद कर देती हूँ आप मेरी भी मदद करेंगे क्या हाँ बोलो ना पापा और जमींदार नरसिम्हा रेड्डी की जमीन को लेकर लड़ाई चल रही है मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही हूँ इसलिए अरण्या से कॉन्टेक्ट करना चाहती हूँ उससे क्यों बात करोगी अरण्या ही जमींदारों से बात कर सकता है मुझे तो नहीं पता लेकिन कल जो ये झंडे लेने आएगा ना उससे पूछ के देखती हूँ सब सिल दिया ना हाँ सब तैयार है ये लीजिए अच्छा भैया हमारे साथ जो लड़की रह रही है ना उसका परिवार बहुत परेशान है वो अरण्या का पता मांग रही थी उसकी मदद कर सकते हैं क्या पता मांग रही थी हमें तो पता भी नहीं कि वो लड़की कौन है ऐसे इंसान को हम अरण्या का पता कैसे दे सकते हैं कुछ हो सकता है देखो, क्या उसे रहने दिया खाना दिया ये सब ठीक है लेकिन ऐसे किसी को पता नहीं दे सकते ना खतरा हो सकता है जानती हूँ भैया बेचारी बहुत मुसीबत में है बहुत परेशान दिख रही थी वैसे कल अरण्या कॉलेज आने ही वाला है ना उसको बोल दो वहाँ जाकर उससे मिल लेगी ए मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या
अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझ रही हो ना? लगता है अब मेरी खोज खत्म होने वाली है। अब मैं तुमसे जल्द ही मिलने वाली हूँ, ये सोचकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकती। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। ए, ए, गाड़ी रुको। कौन है ये लड़की? बुलाओ उसको। उमा जी, उस लड़की को जरा भेजो तो। अरे बेटी, वो तुम्हें बुला रहे हैं। सुनो, जरा इधर आओ, सर बुला रहे हैं। ए, बैग भी ले क्या, जल्दी कर। क्या नाम है तुम्हारा? विनीता सर। यहाँ क्या कर रही हो? एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ सर। मैं स्टूडेंट हूँ सर। कौन से कॉलेज की? यही है सर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। अच्छा अच्छा, बैग में क्या है? कुछ नहीं है सर। हा? दिखा। मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट है सर। निकाल निकाल। अरे ये तो बहुत अलग है याकूब, देख कृष्णा की मूछे भी हैं। ये कैसी मूर्ति है? ये नक्काशी वाली मूर्ति है सर, यहाँ पे बहुत फेमस है ये। ओहो, अच्छा रवि सर, देखी क्या? बहुत अच्छी है सर। मस्त है। ठीक है, ये ले, चल जा। चलो भाई। ए लड़की, रुको 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 जरा। ओ लड़की, इधर बेटा। सीआई साहब को ये मूर्ति बहुत पसंद आ गई है, 100 रुपए देता हूँ, मुझे दे दो। नहीं नहीं सर। अरे तो 200 ले लो। मैं इसे बेचना नहीं चाहती सर, प्लीज जाने दो ना, ये मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट है। अच्छा मेरी बात सुनो, वो सियाई अच्छा इंसान नहीं है, कुछ भी कर सकता है, मूर्ति के लिए तुम्हें मार भी सकता है। मार सकता है? मैंने क्या किया है? क्यों मारेंगे? ऐसे कैसे मुझे मार सकते हैं? एक बेईमान पुलिस ऑफिसर को गोली चलाने के लिए वजह नहीं चाहिए होती है बेटा। ला दो बेटा, मूर्ति मुझे दे दो, इस पंगे में मत पड़ो बेटा। दे उसे। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? चल दे। निकाल। क्या हुआ दीदी? उस लड़की को पुलिस क्यों लेकर जा रही है? हे भगवान! नहीं नहीं, प्यार के नाम पे लड़की को धोखा देता है। प्यार करते वक्त कल्याण की जात के बारे में नहीं सोचा तो शादी के लिए वो परेशानी कैसे होगा? माफ कर दो भैया गलती हो गई भैया। मैं भी मांगता हूँ। लिख के देगा मुझे? हाँ भैया, लिखता हूँ। आज के बाद इस गांव में अगर कोई किसी लड़की को धोखा देगा
अगर कोई किसी लड़की को धोखा देगा तो उसका वही हश्र होगा जो मेरा हुआ है। अगर कोई किसी लड़की को धोखा देगा अगर कोई किसी तो वही हश्र होगा जो मेरा हुआ है। वही हश्र होगा मेरा हुआ है। ये चेतावनी दी है, ये चेतावनी अरण्य और उसके दल के लोगों ने। चल अब साइन कर। एक बेकसूर लड़की की हत्या कैसे कर सकता है भैया? छोड़ो छोड़ो भैया, गलती हो गई भैया। याकूब तुम यहीं बैठे रहो। जिस देख जीप में कोई फर्स्ट एड है यार। ठीक है सर। चलो चलो चलो। कोई नहीं जानता था हम कॉलेज जाने वाले हैं।
हमारे दल में से ही किसी ने पुलिस को खबर की है। हाँ भैया, अब हमारे दल में भी कई गद्दार शामिल हो गए हैं। आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए आजकल जब लोगों को शामिल करना हो तो जरा ध्यान दिया करो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, और सच बताना, तुम्हारे दल में कितने कॉमरेड्स ऐसे हैं जो सच में समाज के लिए काम करना चाहते हैं? कितने लोग तो बस इसलिए शामिल होते हैं ताकि अपने आपसी झगड़ों का बदला ले सके। सही कहा टीचर, मैंने आपका लिखा हुआ आर्टिकल स्टेट कमेटी को भेज दिया है, वो इस पे चर्चा करने वाले हैं। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होगा। ये बारिश नहीं रुकेगी, हम चलते हैं। ठीक, खाना पैक कर। मेरा नाम विनीता है, मैं सिद्धिपेट से यहाँ आपसे मिलने आई हूँ टीचर। ये कोई टाइम है किसी के घर आने का? रास्ते में बस खराब हो गई थी और वहाँ कोई ऑटो भी नहीं मिला, मुझे पैदल चलकर आना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। आ जाओ। बहन है, उसका नाम अर्चना है, बहुत अच्छी लड़की है। उसे एक नक्सलाइट से प्यार हो गया है, दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन वो किसी काम से गया और अब तक वापस नहीं आया है, तो उसे बहुत फिक्र हो रही है। उसने कोई लेटर भी नहीं लिखा ना, रोज रोज न्यूज देखकर वो और भी घबरा जाती है। नक्सलियों के आजकल बहुत एनकाउंटर हो रहे हैं ना, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसे ढूंढने में या उसके बारे में कोई खबर मिल जाए तो। मेरे लिए मेरी बहन बहुत जरूरी है टीचर। मैंने उससे कहा मैं तेरे लिए लेटर लिखवा कर लाऊंगी, वो लेटर पढ़ लेगी तो कम से कम चैन से रह पाएगी, फिक्र नहीं होगी। आप मेरी मदद करेंगी तो आपका बड़ा एहसान होगा टीचर। ठीक है, पहले ऊपर कमरे में जाकर कपड़े बदल लो। जाओ। ठीक, मैं अभी आती हूँ। अच्छा तुम्हारी बहन अर्चना जिस नक्सलाइट से प्यार करती है उसका नाम क्या है? अरण्या, उसका नाम रविशंकर भी है। अरे वही टीचर जो अरण्या के नाम से कविताएं भी लिखता है, वही। अर्चना उससे प्यार क्यों करती है? उसे नक्सलवादी अच्छे लगते हैं? नहीं टीचर। तो फिर वो प्यार क्यों करती है उससे? किसी से प्यार करने के लिए वजह होनी जरूरी है क्या टीचर? जैसे भूख प्यास और आंसू होते हैं, इनके पीछे भी तो कोई वजह नहीं होती है ना, प्यार भी अपने आप हो जाता है। ये अर्चना तुम ही हो ना? बताओ तुम ही हो ना? हाँ टीचर, ना माँ के बारे में सोचा ना पापा के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचा। मन ने कहा उसके साथ रहना है, बस मैंने मन की सुनी। नक्सलाइट की जिंदगी का कभी भी कोई भरोसा नहीं होता, जानती हुई? उससे प्यार करने का मतलब है जिंदगी भर कई तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, पता है? जानती हूँ टीचर। नहीं जानती, तुम नादान हो इसलिए ऐसा सोच रही हो। देख विक्रम, मैं भी कभी आरएसयू का मेंबर हुआ करता था, पर तब अकल नहीं थी मुझे। मैं वादा करता हूं कि तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे अरण्या के दल का पता बता दे। वो किसी एक जगह पर नहीं रुकते हैं सर, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं सर। कल्याणी के बाप को अरण्या के पास तू ही लेकर गया था ना, तूने ही रमन्ना को मारने में मदद की थी ना। मैं सब जानता हूँ विक्रम, चल बता। मैं नहीं जानता सर।
बता अरण्या इस वक्त कहाँ है? मैं सच में नहीं जानता सर। इसके हाथ खोलना जरा। चलो अब भाग भाग और पीछे मुड़कर मत देखना। मैं नहीं भागूंगा सर, मुझे मारना है तो यही मार दीजिए, मैं नहीं भागूंगा सर। अरे ये बहादुरी अरण्या से सीख कर आया तू? इसको नक्सलियों वाले कपड़े पहना दे। सर मुझे जाने दो सर, मत मारो सर, मेरे बच्चे हैं सर, मत मारो सर मुझे, प्लीज सर, प्लीज सर। मुझे अरण्या का पता बता दे, छोड़ दूंगा तुझे। वो लोग महादेवपुर के पुराने बंगले में जाने वाले हैं सर, वहाँ कोई मीटिंग होने वाली है। छोड़ दीजिए सर, मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा सर? ठीक है, मैं देख लूंगी। आप लोग ठीक है? ठीक है। विनीता, अच्छा तुम हम लोगों से क्या उम्मीद करती हो बताओ, तो क्या चाहिए? मैं आपको नहीं समझा सकती कि मैं क्या महसूस करती हूं। मैं उससे ये उम्मीद नहीं करती कि वो मुझसे शादी करे और बच्चे पैदा करे। तो फिर जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती। इतना ही और कुछ नहीं चाहिए। बहन तुम यहीं पे रुको, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। ठीक है। तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट, बस पर थोड़ा सा क्रैक होगा, माफी चाहती हूँ। टीचर ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ तुमसे। तुम जैसे लोग जो ठान ले कर सकते हैं, हमारे समाज में औरतों को शिक्षा से, आजादी से दूर रखते हैं, उन्हें हमेशा दबाया जाता है, पर तुम उनके लिए कुछ कर सकती हो। तुम्हारी ये समझदारी, ये प्यार, ये शिक्षा उन औरतों के भले के लिए काम आ सकती है। मुझ पे जाया मत करो। दिखने में तो काफी पढ़े लिखे लगते हो, एक औरत का मन पढ़ना नहीं आता।
मैं यहाँ एक आजाद पंछी की तरह उड़कर आई। मेरे पंख काटना चाहते हो? मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हारे लिए रो रो कर लाल हो गई है। इन आंखों में सच्चाई नजर नहीं आती, प्यार नजर नहीं आता। क्या फायदा इस प्यार का, हा? क्या फायदा इस प्यार का? इस प्यार को इंसानों ने सिर्फ एक दूसरे को धोखा देने का जरिया बना लिया, इसे प्यार कहते हैं? ये प्यार व्यार मेरे लिए सिर्फ एक रोग है। It's a chronic disease and you're suffering from that disease. मतलब प्यार एक बीमारी है? तो मीराबाई ने जो कृष्ण से किया था वो क्या था? ना सिर्फ जो कृष्णा ने मीराबाई से किया, बल्कि शिव ने जो सती से किया, अक्का महादेवी, कवित्री मोला, इन सबको यही बीमारी थी। और जो काल मार्क्स ने जेनी से किया, माओ ने जो जियांग से किया, लेनिन ने कृपा से क्या से किया, वो भी प्यार नहीं था। मैं तुम्हारी कविता और कहानियों में नहीं हूँ, पर मेरा प्यार उनका हिस्सा जरूर बनेगा। मेरी डायरी में सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम उसे पढ़ोगे तो इनकार नहीं करोगे। मैं तुम्हें प्यार को समझने में मदद करूंगी। हाँ, पता है तुम्हारी माँ से भी मिली थी, उन्होंने तुम्हारे लिए एक लेटर भी दिया है। तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। हाँ, यहीं रुकना। हाँ, भैया भैया, टीचर के घर लेकर चलो ना, 10 मिनट में वापस आ जाएगी। पुलिस की गाड़ी, छुप जाओ, छुप जाओ। पुलिस को किसने बताया होगा? हे भगवान, अब क्या होगा भैया? मैं संभालूंगा, तुम यहाँ से जाओ, जाओ, जाओ। नहीं भैया, मैं अभी आपकी मदद करना चाहती हूँ, मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। अरे तुम एक लड़की हो, ये खतरनाक हो सकता है, तुम्हें गोली लग सकती है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, उन सबको बचाना जरूरी है। आप बस बताओ मुझे क्या करना है, प्लीज। हाँ ठीक है, तुम यहीं रुको, कहीं जाना मत, मैं 5 मिनट में आता हूँ। हाँ, ठीक है। जल्दी आ, जल्दी आ, यहाँ घुस मैं। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी करो। हमारे पास सरेंडर करने के लिए 5 मिनट है, यहाँ से बचकर भागने की सोचना भी नहीं। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसे बता देना कि बम कैसे यूज करते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे जल्दी करो ना, जल्दी हाथ बढ़ाओ। पूरी फोर्स अभी तक पहुंची नहीं है, इसीलिए हमें टाइम दे रहे हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ, और पुलिस के आने से पहले हमें निकलना होगा, वरना लड़ना बहुत मुश्किल है। भारती तुम बेसमेंट चेक करो। ठीक है। रघु टेरेस चेक करो। ठीक है भैया। देखो इसे LED बोलते हैं, इसमें अमोनियम नाइट्रेट है, इसे जब भी फेंकना ना तो उससे कम से कम 6 फीट दूर रहना। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, इसे बैटरी से कनेक्ट कर लेना। लो, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, कनेक्ट कर लेना। जाओ जाओ जाओ। टियर गैस, जल्दी से बैक साइड कवर करो। कवर कवर पीछा करो उसका, जल्दी तुम भी जाओ। कमांडोस, अब क्या करें? टेक कवर। टियर गैस टीम एडवांस। अरण्या, boys, follow me, quick, quick. चलो 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 चलो। Five, 4, 3, 2, fire!
दो। Boys, come on, fast! Come on, dos! Target, ढूंढो! Come fast! गांव से है तू? तेरे बाप का नाम क्या है? जवाब दे सको, सुनाई नहीं दिया क्या? कहां जाने वाला है वो? उनके लिए तू खाना पहुंचाती है या फिर उनके लिए इंफॉर्मेशन पहुंचाती है? आराम से बता देगी तो ठीक है, वरना तेरा एनकाउंटर करना पड़ेगा। चल बोल। मुंह नहीं खोल रही। बस थोड़ी देर रुक जाओ, रात को इंटरोगेशन शुरू करना। अगर फिर भी मुंह ना खोले
एनकाउंटर कर देना। ठीक है सर। क्या लाया टिफिन में? एग करी है क्या? हाँ मस्त बनी है, एग करी खाओ ना। ये तेरा आखिरी खाना होगा, खा ले। सर आने वाले हैं, सच बता देना वरना मारी जाएगी। पेपर के पहले पेज पे तेरी फोटो छपेगी, बोलना जल्दी। चलो चलो निकलो निकलो जल्दी। बाहर का माहौल ठीक नहीं लग रहा, तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तुम क्यों गए थे वहाँ पर? मैं भी तो जाकर इसकी बेल करवाकर इसे ले आ सकती थी। तब तक वो लोग इसका एनकाउंटर कर देते। आपको सम्मान की खबर मिली? वो लोग उसे कंट्रोल रूम लेकर गए थे। मैं कल ही उसकी बेल की तैयारी करती हूँ। इसे समझा कर घर भेज दीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने क्या गलत किया है टीचर? मैं सब कुछ छोड़कर इसके पीछे पीछे पागलों की तरह क्यों भाग रही हूं? एक समय था जब मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी। मैं कृष्णा जिले के एक छोटे से गांव निमाली में रहती थी। अपना सब कुछ छोड़कर यहां अपने प्यार से मिलने आई। वो एक शादीशुदा आदमी था, उसके दो बच्चे भी थे। ये जानने के बावजूद खुद को रोक नहीं पाई। प्यार में बहुत ताकत होती है, ऐसी ताकत के खुद पर काबू नहीं रहता। कितनी मुश्किलें आई पर हमने एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन फिर एक एनकाउंटर में पुलिस ने उसे मार दिया और सब खत्म हो गया। अब मैं सिर्फ उन्हें अपनी किताबों में जिंदा रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही एक तरीका है दुनिया तक उनके विचारों को पहुंचाने का। किताब में लिखा हुआ हर एक अक्षर, हर एक शब्द उनके लिए है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि हमारे विचार एक समान थे, पर तुम्हारे रास्ते अलग हैं। इसीलिए तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। इस बारे में अच्छे से सोचो और समझदारी से फैसला लो। What's happening, प्रताप? सीएम मुझे रिजाइन करने के लिए कह रहे हैं। मैं रिजाइन करके घर बैठ जाऊं क्या? एक बात बताओ, सम्मान को तुमने पुलिस कंट्रोल रूम में रखा है और उस लड़की को तुमने मंडल पुलिस स्टेशन में रखा है, ऐसा क्यों? सर हमें नहीं लगता कि वो लड़की नक्सलाइट है, वो सिर्फ उनकी मदद कर रही थी।
इसलिए उसे मंडल पुलिस स्टेशन में रखा। अरे तो उस वक्त वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी? उनके अटैक का इंतजार कर रही थी क्या? वेयर यू ऑल स्लीपिंग? प्रताप, हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स है, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, बट स्टिल वी आर इन द डिफेंस। सर, अरण्या कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इट्स गुरिल्ला वॉर। जंगल का हर पेड़ हर पत्थर उसकी ढाल की तरह काम करता है, और तो और पब्लिक भी उसके सपोर्ट में है सर। हमें पब्लिक सपोर्ट क्यों नहीं मिल सकता? वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर पीपल। यस सर, हम भी जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। हम पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वो नक्सलाइट उनके लिए जान दे सकते हैं। फिर इसका हल क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन प्रताप? सर, आपने महाभारत पढ़ी है? नहीं। महाभारत में विराट पर्व नाम का एक अध्याय है। जब चौसर के खेल में पांडव कौरवों से हार गए तो पांडवों को अज्ञातवास में जाना पड़ा था। उस वक्त वो विराट नाम के राज्य में छुपे थे। वो सही समय पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। ये नक्सलाइट बिल्कुल वही कर रहे हैं सर, और अब हमें भी वही करना चाहिए। ओके, व्हाट डू यू वांट टू डू? हमें अपने किसी आदमी को अरण्या के दल में शामिल करना होगा, या फिर उसके दल में से किसी एक को हमारे बीच शामिल करना होगा। वो एक इंसान वो सब कुछ कर पाएगा जो पूरी फोर्स नहीं कर सकती। मैं कोवर्ट ऑपरेशन सजेस्ट कर रहा हूँ सर। ठीक है, सो जल्द से जल्द उस इंसान को आइडेंटिफाई करो। सर, अगर हमें ये लड़की मिल जाती है तो हम विराट पर्व की शुरुआत कर सकते हैं। विनीता, क्या फैसला लिया तुमने? आपकी कहानी सुनने के बाद अरण्या के लिए मेरा प्यार और बढ़ गया है टीचर। मैं समझ गई हूँ कि प्यार भी क्रांति की तरह ही होता है, और मैंने इस क्रांति में भाग लेने का फैसला लिया है टीचर। मुझे भी उनकी पार्टी का हिस्सा बना दीजिए, मैं भी जंगल में रहूंगी। पार्टी का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं है, कई मुश्किलें आती हैं। मेरी बात मानो, भूल जाओ ये सब। आप मुझसे ये कैसे कह सकती हैं? आप जिनसे प्यार करती हैं वो तो अब नहीं रहे, लेकिन आप आज भी उनसे, उनके विचारों से प्यार करती हैं। तो जो इंसान अब भी उस क्रांति का हिस्सा है, मैं उससे प्यार करना कैसे छोड़ दूं? बताइए। मैं हर मुश्किल का सामना करूंगी, मैंने सोच लिया है। कैसे समझाऊं तुम्हें, पार्टी रिक्रूटमेंट का भी एक सिस्टम होता है। वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। वैसे भी आजकल माहौल बहुत खराब है विनीता। कोई बात नहीं टीचर, मैं जाऊंगी। लाल सलाम। तुमने मुझे पहचाना? अभी अभी जेल से छूट के आया हूं। मैंने अभी तुम्हारी बातें सुनी। वाह, क्या विचार है तुम्हारे, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने देखा तुमने किसी तरह हमें बचाया। वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हारे जैसे लोगों को इस कार्य में शामिल होना चाहिए। मैं मदद करूंगा, मैं तुम्हें दल का पता बताऊंगा। तुम कल ही यहां से निकल जाओ, ठीक है ना? ठीक है। कोर्ट हियरिंग के बाद मैं भी आ जाऊंगा। आज से तुम्हारा नाम विनीता नहीं रहेगा, कॉमरेड विनीता होगा। लाल सलाम। लाल सलाम? नहीं सर, मैंने इसे नहीं देखा। चलो ये तो हो गया, इधर इसको बॉक्स से निकाल लेता हूँ। ओ पोस्टमैन जी, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? ये लड़की? अच्छा, हाँ इसको मैं जानता हूँ सर। इसके पिता का नाम है गोलाराम, पास के गांव में रहता है, गांव में गाने गाता है। मेरी उस गांव में एक बार पोस्टिंग हुई थी। अरे चलो सर, चलो। पर हुआ क्या? तुम लोग वही बात बस बार बार दोहरा रहे हो। कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता। हम बच्चे नजर आते हैं क्या? पुलिस हैं हम। अगर तुम्हारी बेटी का नक्सलियों से कोई संबंध नहीं है तो वो लोग उसे पुलिस स्टेशन से भगाने क्यों आए थे? क्या जरूरत थी? हाँ, नाम क्या है तेरा? रमेश। रमेश, एक बात सच सच बताएगा?
इन नक्सलियों ने तेरे लिए क्या किया है? लोगों के लिए क्या किया है? समाज के लिए क्या किया है? देश के लिए क्या किया है? किसी को कुछ दिया है क्या? न जाने कितने बेकसूरों की जान ले ली है उन्हें मारकर गुंडागर्दी करने के अलावा कुछ आता भी है उन्हें? वो और कुछ नहीं जानते हैं। बता, तेरी कभी कोई मदद की? बता रमेश, उन्होंने कभी तेरी कोई मदद की क्या? किया सर। बता मुझे उन्होंने क्या किया? अरे क्या बोल रहे हो रामू, उसे बात करने दो। रुकिए ना, मुझे इसका जवाब देना है। उन्होंने मदद की है सर। जब स्कूल कॉलेज में लड़कियों को छेड़ा जाता था तो किस पार्टी के नेता ने मदद की थी बताइए सर? कभी पुलिस बचाने आई क्या? वो कमांडर्स आते थे, समाज में जिनकी आवाज दबाई जाती है वो उन्हें आवाज देते। मुझ जैसे लोग उनके साथ इज्जत से पेश आते हैं। चुप कर, क्या बोल रहा है? तुझे पता है क्या बोल रहा है तू? बकवास किए जा रहा है, दिमाग खराब है तेरा? कुछ भी बोल रहा है, चुप रह। साहब साहब, इसे माफ कर दो, इसे नहीं पता ये क्या बोल रहा है साहब, इसे माफ कर दो साहब। बैठ जाओ। इसने कुछ गलत नहीं कहा, जो कहा सही कहा। नक्सलाइट्स के दल में किस तरह के लोग हैं? मन बहुजन ले, एससी एसटी बीसी वीडे कैडर लोंदे చచ్చిపోయేదంతా కూడా మన వాళ్ళే. లీడర్లు ఎవరు? అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏమవుదు? వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు. వాళ్ళు ఎలాగూ చనిపోరు. దో దిన్ కా టైం దే రహా హూ తుమే, ఫిర్ ఉస్కే బాద్ ముఝే యే సబ్ బాతే భూల్ కర్ అప్నీ డ్యూటీ నిభాఊంగా, కుచ్ నహీ కర్ పాఊంగా. అప్నీ బేటీ కో వాపస్ లేకర్ ఆఓ. అబ్ జాఓ. टीचर ने आपको देने के लिए कहा। జీవితంలో ఏ అనుభవం ఎదురైనా దాన్ని స్వాగతించు. ప్రతి అనుభవం నీ ఇంట్లో అడుగుపెట్టే అతిథి లాంటిది. आप यहीं रुकिए, आपको लेने कोई आएगा। ठीक है। विनीता, बेटी कहलाने के लायक नहीं हूं। मैंने वादा किया था पढ़ लिखकर नौकरी करूंगी, सब झूठ। मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना पापा,
खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। हर बाप यही सपना देखता है कि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे, उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से अच्छे परिवार में कराए। लेकिन मैंने आपको वो मौका नहीं दिया। आपकी बेटी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। आप मुझे अपने साथ वापस ले जाने आए हैं ना? नहीं मेरी बच्ची, बस तुझे देखने आया था और कुछ नहीं। तुमने अभी कहा ना कि तुम मुझे वो मौका नहीं दे पाई जो एक बेटी बाप को देती है, लेकिन वो सब मायने नहीं रखता बेटी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। यही कि तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है बेटी। मुझे कहानियां पसंद हैं, कोई नहीं समझता मैं क्या महसूस करता हूँ। मैं बिना गाय जी नहीं सकता और तुम प्यार के बिना नहीं जी सकती। तुम्हारी इच्छा शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होगी, लोग उतने ही सवाल करके हंसेंगे, पागल भी कहेंगे। जब मैंने कहा था कि मैं जीवन भर गाना चाहता हूं तो लोग मुझ पर भी हंसे थे। अब तुम अपना जीवन प्यार को समर्पित कर रही हो तो इसके लिए तैयार रहना होगा। ये समाज जो बात नहीं समझता बस उस पे हंसता है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं नहीं समझता। जब तुम्हें देखता हूं तो मन करता है कि जोर जोर से चिल्लाऊं कि तुम मेरी बेटी हो। सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में चाहूंगा कि तुम ही मेरी बेटी बनकर आओ। काका अब चलना चाहिए। चलता हूं बेटी। पापू निगुंतिन का एन्नी दिनालैंदे శేషప్ప కవిది ఒక పద్యం పాడిపో బాబు, మళ్ళీ ఇంటాను ఏనను. అడవి పక్షులకెవ్వడు ఆహారమిచ్చెను, మృగజాతికెవ్వడు మేత పెట్టే, వనచరాదులకు భోజనమెవ్వడిపించే, చెట్లకెవ్వడు నీళ్లు చేది పోసే, స్త్రీల గర్భంబున శిశువునెవ్వడు పెంచే, పణులకెవ్వడు పోసే బరగపాలు, మధుపాలికెవ్వడు మకరందమొనరించే, పశువులకెవ్వడు సగే బచిపూరి, జీవకోట్లను పోషింప నీవేగాని వేరొక్క దాతలేడయా వెదికి చూడ, భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నారసింహ దురిత వెళ్ళిపోవే అడవికి, కలల రాజున చట కలిసిపోవే కలిసిపోవే, అడుగు అడుగు ఎల్దు అటంకులే దాటి ఆగిపోక, దరికి సాగిపోవే मैं विनीता हूँ। अपना कोड बताओ। सॉक्रेट्स ने जहर पिया, कार्ल मार्क्स को देश से निकाला गया था, बुद्धा अपना परिवार और राज्य छोड़कर जंगल चले गए थे। हमें बताया गया था कि समन्ना ने तुम्हें रिक्रूट किया है, लेकिन हमारे लीडर अरण्या ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। ये लो, खाना खा लेना, खाने के बाद आराम कर लेना, फिर निकल जाना। मुझे वापस क्यों भेज रहे हैं? मैं पार्टी में शामिल होने और काम करने आई हूँ।
मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। स्वर्णा तुम लोग निकलो, मैं इससे बात करके वापस भेजता हूं। पागल हो गई हो क्या? हाँ, क्रांति का असल मतलब जानती हो? हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, बस सांस लेने का वक्त मिलता है वो भी लड़ाई पे खर्च हो जाती है। जानती हो ना, इसमें हजारों शहीद हो चुके हैं। पिछली बार जिन कॉमरेड्स का एनकाउंटर हुआ उनकी चीखें अब तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। जानती हो वो चीखें कितनी भयानक? जानती हूं, जानती हूं। 7 सालों से जो तुम्हारी मां रो रही है उनकी आवाज जितनी भयानक। किस्मत ने मुझे जिस तरह तुमसे मिलवाया उसी तरह तुम्हारी माँ से भी मिलवाया। देखो मेरे हाथ में जो लेटर है ये तुम्हारी बंदूक से ज्यादा ताकतवर है। पता नहीं तुम्हारी बंदूक के समाज को बदल पाएगी या नहीं, पर ये तुम्हारे अंदर बदलाव जरूर लाएगा, क्योंकि ये लेटर तुम्हारी माँ का है। इन लेटर से मेरी सोच नहीं बदलने वाली। मेरी पार्टी मेरे लिए किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। चली जाओ। नहीं जाऊंगी। चली गई तो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुमने मुझे कॉमरेड अरुणा की याद दिला दी। वो हमारे साथ काम किया करती थी। 1 साल पहले पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। गैंग रेप हुआ था उसका। उसके बाद उसे अपाहिज बना दिया गया था। हो सकता है किसी दिन हमारे साथ भी वही हो। मेरे साथ हो सकता है या तुम्हारे साथ। तुम क्रांति के लिए तैयार हो? मैं सब करूंगी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अरण्या ये क्या है? पार्टी के रूल्स के हिसाब से इस तरह से किसी को रिक्रूट नहीं किया जा सकता है। किसी को चाहे कितनी भी अच्छी तरह से जानते हो लेकिन सालों काम करने के बाद ही शामिल किया जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सम्मान ने उसे यहां भेजा ही क्यों। खैर लीडर तुम ही हो, कमांडर तुम, डिप्टी कमांडर तुम, हम तो तुम्हें कुछ बोल नहीं सकते। जब अरण्या सामने हो तो इस तरह उठ के चले जाना ठीक नहीं है। और जो उसने किया वो सही है क्या? एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अरण्या ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। मैंने ही मनाया था उसे रखने के लिए। पुलिस ने पहले ही उसे हमारा साथी मान लिया है। अब अगर हम उसे वापस भेजते हैं तो पुलिस उसे पक्का परेशान करेगी। पुलिस ने उसे मार दिया तो कौन जवाब देगा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा बताओ? तुम लोगे या मैं लूंगी? वो अपनी मर्जी से पार्टी के लिए काम करना चाहती है। ऊपर से वो एक औरत है। अरण्या को तुम अच्छे से जानते हो ना, वो एक मिट्टी के ढेले को भी बॉम्ब बना सकता है। तुम देखना वो हम दोनों से ज्यादा काबिल बनकर दिखाएगी।
చివరికి నెగ్గేదేది తగ్గేదేది నగాదారిలో పారే ఏరుదు కిందంట నగాదారిలో రగిలే అగ్గి కొండ సల్లారింది నగాదారిలో కాలం ప్రేమ కథకి తన చెయ్యందించి నేడు తానే దగ్గరుండి నడిపిస్తా ఉండి చూడు నీతోడే పొంది జన్మేనాది ధన్యమాయరో నిప్పు ఉంది నీరు ఉంది నగాదారిలో చివరికి నెగ్గేదేది తగ్గేదేది నగాదారిలో పుట్టలేదుగా ప్రేమ కన్నా గొప్ప విప్లవం పోల్చి చూస్తే అర్థమవ్వదా సత్యం అన్నది కోరుకున్న బతుకు బాటలో నన్ను చూసి నిందలేసిన బంధనాలు తెంచి వేసిన నిన్నే చేరగా అడవే ఆడిందిలే నీవే వశమై सम्मान, तुझे लगा बेल मिल के तो फ्री होके घूम सकता हाँ? हमने सुना है तो पार्टी फंड के नाम पर अपने लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। सर, मैं सिद्धांतों वाला आदमी हूँ सर, मैं ऐसा काम नहीं करता। अच्छा, रविंद्र? सर, है लिंगमूर्ति, इधर आ। नमस्ते सर। क्या लिंगमूर्ति? सर, सम्मान ने तुझे कितने पैसे दिए? करीब 10 लाख रुपए दिए हैं सर। इतने पैसे का क्या किया तूने? किसानों को ब्याज पर पैसा देता हूँ सर। इसकी बहन बीच बीच में आकर ब्याज के पैसे लेकर जाती है। ठीक है, तू जा। ठीक है सर। अब क्या बोलेगा तू? मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ सर। तू हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तू बस हराने के दल का एक सदस्य है। पर तुझे मार दूंगा तो मुझे कम से कम नाम तो मिलेगा। सर मुझे मत मारो सर, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। ठीक है, तो तू वापस जा, मैं तुझे कॉन्टेक्ट करके बताऊंगा क्या करना है। भारती, रमेश को लेकर जीडी कटला ठंडा जाओ। सम्मान वहां मीटिंग के लिए आने वाला है, उसे लेकर पूरब की तरफ मेरे पास आना। खबर मिली है कि इस इलाके में पुलिस भी होगी, संभल कर रहना। रेड सल्यूट। रेड सल्यूट। स्वर्ण और विनीता भैया, गांव वालों की तरह कपड़े पहन लेना। पुलिस टॉर्चर की वजह से हमारे सिंगर मलन अब चल फिर नहीं सकते। गाँव में घुसते ही उनका घर देखेगा, उन्हें ये पैसे दे देना। पूछना उन्हें किसी चीज की जरूरत है और फिर सुबह हमसे मिलना। जरा इनकी हालत तो देखो, पूरे एक हफ्ते तक पुलिस ने इन्हें मारा पीटा है। इनके खिलाफ 12 केस दर्ज हैं,
इनका गला इतनी जोर से घोटा ताकि ये फिर कभी क्रांति के गीत ना गा पाए। इन्होंने अपनी आवाज ही खो दी। डॉक्टर ने कहा कि इनकी एक किडनी भी खराब हो गई है। फिक्र मत कीजिए, पार्टी समाज और समाज के लोगों का हमेशा साथ देगी। ये आरण्या ने कुछ पैसे दिए हैं दवाइयां और बाकी खर्चे के लिए। कल सुबह हॉस्पिटल में डॉक्टर राजाराम से जाकर मिल लेना। दीदी चलिए अब। मैं चलती हूँ दीदी। ठीक है, लाल सलाम। सुनो, दल के लोगों के लिए मैंने खाना बनाया है, बांध के देती हूँ, लेकर जाओ। हाँ हाँ। कहाँ ट्रांसफर हुआ है उसका? आदिलाबाद। अच्छा, प्रमोशन भी मिला क्या? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बस ट्रांसफर हुआ है और कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, सीआई ने बताया क्या इस बारे में? हाँ, वैसे वक्त पे मिल गई प्रमोशन उसे। एक बार बताइए, लड़कियाँ इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ यार, ताज्जुब है। अरे आज के ड्यूटी के नाम से डर लगता है यार। अरे सुनो, रुको, किस गाँव से हो तुम? इस वक्त कहाँ जा रही हो? हम पास वाले क्रेन पर काम करते हैं। आज दिन भर लाइट नहीं थी ना, अभी लाइट आई है तो काम पर बुलाया है। वहाँ और भी लोग हैं सर, कुएं के पास, हम लोग उनके लिए खाना ले जा रहे हैं। सर देखो तो। हाँ देखा। टोकरी नीचे रखो। खाना ही है, नीचे करो। ठीक है। हाँ? जाने दो। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। लेकिन मैंने तो आसपास कोई क्रेन नहीं देखी है। ऐसा है क्या? हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ तो लग रही है। हाँ तो किसी से पूछना पड़ेगा। हाँ तो किससे पूछे? रुको 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 रुको, यहाँ आसपास क्रेन का काम चल रहा है क्या? नहीं सर, ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं चल रहा सर। रुको रुको रुक जा। काम कहाँ पे चल रहा है, चलकर मुझे दिखाओ। सर वो, चलो दिखाओ। दरअसल सर, सर मुझे कुछ नहीं पता सर, सर जाने दीजिए। कुछ भी पता नहीं है फिर भी नक्सलाइट के लिए खाना ले जा रही हो? सर हम सच बोल रहे हैं। सच बोल रही है सर, जाने दीजिए सर, जाने दीजिए। कुछ नहीं पता सर। बॉयज फॉलो मी। भैया बॉम्ब है भैया। की आवाज से पुलिस आएगी, शोर मत करा। नहीं रुको, इसे मत मारो प्लीज। हाथ जोड़ के प्लीज, प्लीज इसे छोड़ दो, मत मारो प्लीज, इसे मत मारो। ऐसे इंसान को मारना ठीक नहीं है। जो क्या ठीक नहीं है? हमारे लेडी कॉमरेड के साथ इन्होंने गलत काम किया और उसे अपाहिज कर दिया, क्या ऐसा करना ठीक था? हम भी इन्हीं की तरह बन गए तो हमें और इनमें फर्क ही क्या रह जाएगा? क्या खून बहाना ही एक रास्ता है? बताओ। खून हर तरफ बह रहा है, इंसान का जन्म होता ही इसीलिए है। एक माँ को बहुत तकलीफ होती है तब जाकर के कोई बच्चा पैदा होता है।
ये सिस्टम भी उसी तरह का है। हाँ, आँख के बदले आँख, खून के बदले खून। लेकिन ये हमारा दुश्मन नहीं है जो हम इसे मार दे। पार्टी का भी रूल है ना कि निहत्ते पर कभी वार नहीं करना चाहिए। हाँ बताओ। क्या तू मुझे माओ के बारे में सिखाएगी? तू बताएगी मुझे क्या करना है? पार्टी के रूल सिखाएगी? अपनी औकात में रह। तुझे मारना पड़ा तो मैं हिचकूंगा नहीं, समझाई? रघु, हम भी पुलिस जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तुम्हें लगता है हम माओ के सिद्धांतों के खिलाफ जाएंगे? हाँ? जाने दो इसे। सॉरी कॉमरेड्स, विनीता जो कह रही है सही है। फर्स्ट एड किट लेकर आओ। ఇది అభినందించదగిన విషయమే. అవునన్నా. ఐసే కామో సే పార్టీ కా మాన్ బడేగా. లోగో కే లియే కామ్ కరేంగే తో లోగ్ ఆర్ సపోర్ట్ కరేంగే. లోగో కే లియే సమజనా జరూరీ హే కి పులిస్ ఆర్ నెక్సలైట్ కే బీచ్ ఫర్క్ క్యా హే జో ఉన్హే ఏక్ దూసరే సే అలగ్ కర్తా హే. బిల్కుల్ సహీ కహా. స్టేట్ కమిటీ కీ తరఫ్ సే అరణ్యా కే దల్ కో బధాయీ భేజ్తే హే. యే సహీ రహేగా. కౌన్ హే యే బచ్చే ఆస్మాన్ కే తారే హే. కౌన్ హే యే బచ్చే खिलने वाली कलियां है। कौन है ये बच्चे आसमां के तारे हैं। बधाई हो तुम्हें, कल की बहस जीत ली। बहुत दया है इसके अंदर, देखो चेहरा खिल गया है। हां आज तो तुम सबको पार्टी दोगी ना? अभी कोई महान काम नहीं किया, अभी तो बस चाय पिला सकती हूँ। नहीं सच में, तुमने कल जो किया उससे मुझे फ्रांस की क्रांति की याद आ गई विनीता। अरे अब आप भी बस करो प्लीज। चलो, तुम्हारे जैसी कॉमरेड पार्टी के लिए बहुत जरूरी इसे है। यहाँ लाया कौन है? द ग्रेट कॉमरेड सम्मान। भैया चाय लो। ये तो अब तक मुझसे नाराज है, देखो तो। अरे चाय तो पी लो, छोटी बहन को ऐसे मना करोगे क्या? भारती ने जो कहा सही था, उस पुलिस वाले को बचाकर तुमने क्रांति का सही मतलब सिखाया। तुम ना रोकती तो मैं भी उसकी मौत का जिम्मेदार होता। इन फेक एनकाउंटर्स और कोवर्ट ऑपरेशंस की वजह से हम सबके मन में अजीब सा डर है, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए हम असमंजस में रहते हैं और यही भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तुमने बिल्कुल ठीक किया, I'm proud of you. मेरा प्यारा अरण्या, मेरा बच्चा कैसा है तू? हमेशा तेरी चिंता लगी रहती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझे छोड़कर क्रांति की राह पर चला जाएगा। तेरे जाने के बाद पुलिस ने यहाँ आकर हमें बहुत परेशान किया। उन्होंने हमारा पूरा घर तोड़ दिया था। मुझे ऐसी गालियां दी जो किसी ने कभी नहीं सुनी होंगी। ये भी नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ। तेरे बारे में जानने के लिए बहुत टॉर्चर किया। गाँव में छोटे लड़कों को पकड़ कर शूट कर दिया। पूरे गाँव को स्मशान बना दिया। सब भूल गए थे कि खुशी क्या होती है। हर रोज इस डर में जीते हैं कि पता नहीं कब मौत आ जाएगी। बस एक बार तुझे देखने का मन कर रहा है।
तुझे मुझसे मिलने का समय कैसे मिल गया बेटा? आपने कहा था कि आपके बेटे को आपके लिए कविता लिखने का समय नहीं मिलेगा। लिखी है इन्होंने, कहाँ है? खुद पढ़कर सुनाओ ना, माँ को बहुत अच्छा लगेगा। माँ, क्रांति मुझे जन्म देने के लिए शुक्रिया कहती है। उसके खेतों में ज्वार और गेहूं उगाते वक्त, फूलों की मालाएं बनाते वक्त, पंछियों के गीत गाते वक्त, क्रांति तुझे मुझे जन्म देने के लिए शुक्रिया कहती है। तूने सिखाया मुरझाए फूलों को खिलाना, गिरे बच्चों को उठाना और कभी हार ना मानना। माँ, क्रांति तुझे मुझे जन्म देने के लिए शुक्रिया कहती है। हेलो सर, वी आर हियर। ओवर। पक्की खबर है कि अरण्या इस वक्त वहीं है और हमें ये इन्फॉर्मेशन अंदर के आदमी से मिली है। जरा संभल कर। मैं हैंडल कर लूंगा सर। कीप सर्चिंग, वी आर ऑन द वे। तूने सिखाया सच के मुश्किल रास्ते पर चलना, तूने सिखाया मुझे धारा के विपरीत बहना, तेरे दुखते हुए शरीर से जो दूध पिया वो जाया नहीं जाने दूंगा, उसकी ताकत से कमजोरों की सेवा करता रहूंगा। मेरी मौत दरवाजे पर आकर खड़ी हो उससे पहले इन सभी मुश्किलों को पार करके तेरे दरवाजे पर आकर तुझे देखना चाहता हूँ। माँ, क्रांति तुझे मुझे जन्म देने के लिए शुक्रिया कहती है। माँ, क्रांति तुझे मुझे जन्म देने के लिए शुक्रिया कहती है। ओके सर, ओवर। चलो। मरने से पहले तेरे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती हूँ। तेरी बंदूक में तुझे शांति नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी एक लड़की के प्यार में। मेरी बात सुन, इससे शादी कर ले बेटा, तेरे मन को शांति मिल जाएगी। भैया भैया, पुलिस, होशियार हो जाइए, पुलिस पुलिस आ गई है भैया, पुलिस। चल
मुझे सच बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? सच बताना, जवाब दो मुझे, बस हाँ या ना कह दो, यस और नो। तुम्हारा कभी नहीं पूछूंगी। सॉरी सर। यस, व्हाट हैपेंड? वी मिस्ड देम। वो सारे के सारे निकल गए सर। डैम इट! पार्टी और उनके लोग पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। वो बस पैसों के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी में आके तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जब मैंने सवाल किया तो मुझे मारने की कोशिश की। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने उन्हें मारा और यहाँ पे आकर के सरेंडर कर दिया। पार्टी में मेरी तरह और भी कई लोग हैं, मैंने जिन्हें रिक्रूट किया वो भी। सभी लोग मजबूर हैं। अब हम पार्टी को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो सिद्धांतों से भटक चुकी है। जय हिंद। ने अपने 11 कॉम्रेड्स को खोया सिर्फ तुम लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से। तुम अपने दुश्मनों का मुकाबला कैसे करोगे जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे साथी गद्दार हैं? सम्मान पार्टी का सबसे सीनियर कॉम्रेड था सर, हम उन पर शक कैसे कर सकते थे? शक करना चाहिए, अपनी परछाई पर भी शक करना चाहिए। एक लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो हर वक्त चौकन्ना रहे, किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे तुम्हारा प्यार हो या तुम्हारा परिवार हो, सब पर शक करो, किसी पर भरोसा मत करो। हमने कमेटी बनाई है जिसे नरसा लीड करेगा। यह कमेटी इस घटना पर गौर करेगी, फिर पार्टी में कौन गद्दार है पहचान कर दल को आगाह करेगी। अगर किसी पर थोड़ा भी शक हो तो यह कमेटी उस पर सीरियस एक्शन लेगी, किसी को नहीं बख्शेगी। कल हमारे दल में नए लोग शामिल हो रहे हैं, उन लोगों को पांडवलू जाकर लेकर आना। लाल सलाम। अरे तुम भी हो यहाँ, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाल सलाम। दीदी, लाल सलाम। मैं कैसे नहीं पहचानूंगी, विद्याधर जी के घर पर हम मिले थे ना। सही, लाल सलाम। ए, चलो उतर। सर, मैं भीख मांगता हूँ सर,
मुझसे नहीं होगा सर। अगर वापस अपने घर जाना चाहता है तो जो बोल रहा हूँ वो कर, जा सर। जा। लाल सलाम। लाल सलाम। इसे नरसा भाई के यहाँ से भेजे। लाल सलाम। लाल सलाम भैया, उन्होंने मुझे आपको ये लेटर देने को कहा है। बाहर पुलिस की स्टेटस क्या है? हर जगह कॉमरेड अरण्या को मेरा लाल सलाम। कमेटी को पता चला है कि तुम्हारे दल में एक गद्दार है, उस गद्दार का पता लगाओ और उसे कड़ी सजा दो, ऐसी सजा जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मन भी डर से कांपने लगे। मुझे मंजीरा नदी के किनारे आज शाम 4:30 बजे आकर मिलना। लाल सलाम। हमारे दल में गद्दार कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि विनीता ही गद्दार है। मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। बिना किसी सबूत के उस पे इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा, तुम्हें सबूत चाहिए? उसे पार्टी में इस तरह से घुसाया, शक तो हो गई। और जिसने उसकी सिफारिश की वो भी तो गद्दार निकला। प्रेस में बयान दिया उसने। उसने जिसको रिक्रूट किया वो अभी भी हमारे दल में है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुम्हें? रघु, अब तुम इसमें अपने पर्सनल इश्यूज ला रहे हो। क्या कहा? मैं इसे पर्सनल ले रहा हूँ? हाँ, तुम तो लीडर हो ना, जो मर्जी वो कह सकते हो। तुमने भी तो कितने सारे लोगों को रिक्रूट किया है। अच्छा मुझे ये बताओ, उनमें से कोई गद्दार नहीं हो सकता? ये क्या है, इतना गुस्सा क्यों, चिढ़ क्यों रहे हो? पार्टी ने तुम्हें लीडर बनने का मौका दिया था ना, मुझसे पहले दल के लीडर तुम ही थे ना। क्या कर लिया तुमने? पुलिस जीप समझकर किसी और की जीप जलाई, बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। वारंगल में तुमने एक बहादुर लीडर को मार दिया क्योंकि तुम्हें लगा इन्फॉर्मर है, इसीलिए पार्टी ने लीडर की पोस्ट से हटाया। वो सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम्हें लगता है ये मेरा पर्सनल एजेंडा है? तुम्हें नहीं पता था कि वहाँ क्या हुआ था? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट होने से पहले उसे रोकना लीडर का काम है। तो फिर सम्मान को क्यों नहीं रोक लिया तुमने? क्यों होने दिया वो सब? तब क्या हो गया था तुम्हें? वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसे गद्दारी कहते हैं। चलो ठीक है, वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि गद्दारी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? लीडर होके गद्दारों का सपोर्ट कर रहे हो? मैंने वजह बता दी है, तुम्हें उस पे शक करना चाहिए। तुम्हें इतना यकीन कैसे कि वही गद्दार है? 100% पक्का वही है। अब समझ में आया, तुम उसे मारना चाहते हो? हाँ, मैं सभी धोखेबाजों को मारना चाहता हूँ, उसे भी मार दूंगा। औरतों पे मैं भावुक नहीं हो जाता, कोई इमोशन नहीं उनके लिए। मेरे अंदर बस एक चीज है, क्रांति। मेरे लिए ये लड़ाई लोगों से ज्यादा जरूरी है। तुम हमारे कमांडर हो ना, तो फिर मेरी इतनी सी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है? अब तो मुझे तुम पे भी शक होने लग गया है। ये क्या है, ये क्या बोल रहा है? हम विनीता को जानते नहीं है क्या? मैं भी रघु की बात से सहमत हूँ। तुम मुझे एक बात बताओ, विनीता ने उस पुलिस ऑफिसर को क्यों बचाया? वो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने क्यों ले गई थी? कोवर्ट ऑपरेशन का हिस्सा हो सकती है वो। जब से वो हमारे दल में शामिल हुई है तब से हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती है। अरे ये भी तो हो सकता है, सम्मान ने उससे कहा हो कि जिस रात वो हमला करने वाला है उस रात वो तुम्हें यहाँ से कहीं और लेके जाए। बताओ, हो सकता है या नहीं? हो सकता है सम्मान ने उससे कहा हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो वो उस काम में कभी कामयाब नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पूरे 3 महीनों तक हर जगह घूमती रही तुमसे मिलने के लिए। वो हमारे कॉमरेड से भी मिली थी, सबको अलग वजह बताई। हम पर भरोसा नहीं है तो खुद इंक्वायरी करो। एक बार उन सबसे बात करोगे तो खुद यकीन होगा। उस दिन मैं विद्याधर के घर पे ही था। विनीता तुम्हारा एड्रेस पूछने वहाँ आई थी। जब पूछा क्यों चाहिए, उसने कहा कि तुमसे प्यार करती है। हमने उसे समझा के वापस भेज दिया। उसके चाहते ही पुलिस आ गई और बेचारे विद्याधर को पकड़कर ले गई। पेड्डापल्ली में पहली बार उसे देखा था मैंने, वहाँ एक बस में आग लगाई थी। उसने मुझसे भी तुम्हारा पता पूछा था। मुझे उस पे डाउट हुआ तो मैंने पूछा क्यों चाहिए, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हमें तुरंत वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि सिग्नल मिला था कि पुलिस आ रही है। मुझसे कहा कि जमीन को लेकर कुछ इश्यू है, वो मेरे जरिए तुमसे मिलना चाहती थी। उसने मुझे एक नंबर से बात करते हुए सुना कि अगले दिन तुम डिग्री कॉलेज आने वाले हो। फिर अगले दिन जब मैं भूपल्ली जा रही थी तब
मैंने उसे जीप में देखा था। हो सकता है पुलिस उसी वजह से आई हो। मुझे भी उस पर डाउट हो रहा है भाई। अब तुम समझे, हमारे दल को टारगेट करना ही उन लोगों का ऑपरेशन है। शकुंतला ने भी पहले ही उसे मना किया था, उन्हें भी भरोसा नहीं होगा, इसीलिए ना वो नहीं मानी, रुकी रही। उन्होंने विनीता को समझाया कि वो ना आए, उसने उनकी सुनी। जब उन्होंने मना किया तो सम्मान के साथ मिलकर पार्टी में शामिल हो गई। तुम्हें अरण्या से प्यार करने को किसने कहा था? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या हुआ? अरण्या से प्यार करने के लिए तुमसे किसने कहा था? कोई किसी को प्यार करने के लिए बोल सकता है क्या? तो फिर तुम्हें उससे प्यार क्यों हुआ? अरण्या ने सपने में आकर कहा था कि मुझसे प्यार करो, बताओ। आप बताइए कि आपने पार्टी क्यों ज्वाइन की थी? मार्क्स आए थे क्या सपने में, या माओ आए थे सपने में? सम्मान और तुम्हारे जैसे और कितने लोगों को दल में शामिल किया है बताओ? कौन चला रहा है ये ऑपरेशन? एसपी सूर्य प्रताप, या एसीपी अजय, या डीजीपी जोसेफ, बताओ। ये सब कौन है दीदी? मैं तो इनको जानती भी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। अपना ये ड्रामा किसी और को जाकर दिखा। तेरी वजह से 11 कॉमरेड्स मारे गए। पता है पार्टी को कितना भारी नुकसान हुआ है? सम्मान और पुलिस के बीच में क्या डील हुई है? तेरे और पुलिस के बीच में क्या डील हुई है? बता, तेरे दल में शामिल होने की असली वजह क्या है? मैं सच में कुछ नहीं जानती दीदी। अब तो सच नहीं छुपा सकती है, मैं सच उगलवा कर रहूंगी। चुपचाप बता दे, क्या लालच दिया उन्होंने? तुझे जमीन देंगे या बहुत पैसे देंगे, नौकरी दिलवाएंगे? मैं सच बोल रही हूं, मैं कुछ नहीं जानती, कसम से। मैं अरण्या से प्यार करती हूँ, अरण्या के साथ रहने यहाँ आई, पर मेरे मन में क्रांति के लिए बहुत इज्जत है दीदी, और कुछ नहीं। आप मेरी डायरी पढ़कर देख लीजिए, मैंने उसमें हर बात, हर एहसास के बारे में लिखा है। राधिका दीदी, प्लीज मेरी डायरी लाकर दो ना, आप उसे पढ़ेंगी तो आप समझ जाएंगी। डायरी तो नहीं है इसमें? झूठ बोल रही है, तो डायरी कहाँ से होगी? तुझे याद है वहाँ महादेवपुर में भी अपनी डायरी की कहानी सुनाकर तू वहाँ से चली गई थी, और थोड़ी देर बाद डायरी नहीं पुलिस आई थी वहाँ। ये अब क्या बोल रही है दीदी? उस दिन तो मैंने ही आप लोगों को पुलिस से बचाया था। हाँ, क्योंकि तू बहुत शातिर है, वो तेरे ऑपरेशन का ही हिस्सा था, ताकि तू हम सब का भरोसा जीत सके। अगर ऐसा नहीं है तो तू पुलिस से बचकर यहाँ हम तक आखिर पहुँची कैसे? एक तरफ पुलिस का साथ दे रही है और दूसरी तरफ हमारे साथ होने का नाटक कर रही है। इन सब के बीच में बिना गोली खाए, बिना एक करो चाहे तू बच कैसे गई? कैसे हुआ ये सब? क्योंकि तू पुलिस की इन्फॉर्मर है, असल में उन्होंने ही तुझे यहाँ भेजा है। जो काम हम नहीं कर पाए वो काम तूने कैसे कर लिया, बता? मैं समझ गई, आप लोग अब मेरी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि आपके दिमाग में शक ने घर बना लिया है। क्या इसी काम के लिए हम बंदूक लेकर घूम रहे हैं, ताकि गलतफहमी में एक दूसरे की जान लें, बेकसूर लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें मारे? आपको अपनी बहन जैसा माना, माँ जैसा सम्मान दिया, और आप मुझ पर ही शक कर रही है दीदी। कोई डाउट नहीं है, वो गद्दार है, पर मान नहीं रही और ना ही मानेगी। बहुत चालाक है ये लड़की, घुमा फिरा कर बात कर रही है। उसे शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है, कुछ भी कर लो मानेगी नहीं।
वो सब मुझ पर शक कर रहे हैं। भारती दीदी और रघु मुझ पर शक कर रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। पहले पानी पी। उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। पानी पी। मैंने टॉनिक जेल से कहा दो हफ्ते वाला डर के लिए चप्पू। पूछा था ना मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं, जवाब चाहिए था ना तुम्हें, तो सुन लो मेरा जवाब। यस, मैं तुमसे प्यार करता था। प्यार था इसीलिए पुलिस से तुम्हें बचाने आया, मुझे डर था तुम्हें कुछ हो ना जाए। प्यार था इसीलिए तुमने कहा तो मां से मिला जिसे 7 साल पहले छोड़ा था। प्यार करता था इसीलिए वो सब किया, और तुमने बदले में क्या दिया? धोखा दिया। भारती दीदी बहुत बड़ी गलती हो गई। कॉमरेड्स को मेरा लाल सलाम। सम्मान ने जो कहा वो झूठ है, दल में कोई गद्दार नहीं है, ये सब कुछ पुलिस का प्लान था। मैंने कहा था प्यार सिर्फ एक बीमारी है, एक जरिया है जिससे लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। तुमने मेरी बात सच कर दिखाई है। मैंने ऐसे दुश्मन से प्यार किया जो मेरी मां समान क्रांति को मुझसे छीनने आई थी। चल। जीवन खत्म हो गया। जिसे मेरी जिंदगी पर हक था उसने मेरी जान लेने का फैसला लिया। मुझे बस एक बात का पछतावा है कि जब मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल रहे थे उस वक्त उसने मेरे माथे को चूमा। अपनी आखिरी सांस को निकलते हुए मैं महसूस कर पा रही हूँ। काश कि मैं वापस लौट पाती और ये सब अपनी आंखों से देख पाती, पर अब मुझ में इतनी ताकत नहीं। शायद इस जन्म में यही मेरी किस्मत में लिखा है।
मेरे बस में होता तो मैं दोबारा जन्म लेती उसी गांव में, अपनी माँ और पापा के घर में, अपने पापा से फिर कविताएं सुनने के लिए, माँ से फिर झगड़ने के लिए, अपने कृष्ण के साथ फिर से खेलने के लिए, अरण्या की कविताओं में साहस और जोश महसूस करने के लिए, शकुंतला टीचर से उनके विचारों से कुछ सीखने के लिए, उसी जंगल से उसी रघु और भारती दीदी के साथ मिलकर चलने के लिए, उसी अरण्या से एक बार फिर प्यार करने के लिए। मोगुलो मीदि एन्नेला नेलराले नन्नदा मोगिलिवनं पुदल जेरी गोबालिस्तुन्नदा एन्नेला एन्नेला ఇది ఎవరి పాపమని అనుకుందుము, ఇది ఎవరి శాపమని కుమ్ములుతుందుము, ఎన్నెలా ఎన్నెలా నీకు పురుడు బోసి కన్నదమ్మాడవి నీ ఊపిరెట్ల తీసుకుంటనన్నది లేత చిగురులు తొడిగిన చిన్నది ఎలా పండుటాకై రాలి ఉన్నది. 1992 ఫిబ్రవరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో నక్సల్స్ చేతిలో కోవర్టు పేరిట జరిగిన ఒక మహిళ మరణం నన్ను కదిలించింది, ఆలోచింపజేసింది. ఆ విషాద సంఘటనే ఈ విరాట పర్వానికి స్ఫూర్తి. నాడు అసువులు బాసిన మహిళ స్మృతికి ఈ చిత్రం అంకితం. కలల తీరమే త్యాగమనుకున్నది అలల ఆటు పోట్ల మర్మ మెరుగకున్నది అమర ప్రేమతోని ఆశయాలు గన్నది ఎలా నీటరాలిని దురబోతున్నది ఇది ఏ చీకటి కోణమని అందుము ఒక క్షణకాలపు గ్రహణమనుకుందుము ఆ మొగిలి పొదలో వెలుగులెతుకుతున్నము నీ పరిమళాలు మదికి తాపుతున్నము ఎన్నెలా ఎన్నెలా ఆ పరిమళాలు మదికి తాపుతున్నము పరిమళాలు మదికి తాపుతున్నాము.